श्रीमती संगीता आजाद जी बोलेंगे, अभी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। इस विधेयक के बन जाने के उपरांत सरोगसी के क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे व्यापार पर प्रतिबंध लगाने व सामाजिक कुरीतियों को रोकने में प्रभावी कदम होगा। इस बिल के बदौलत बांझता से ग्रस्त अनेक व्यक्तियों को न केवल एक आशा की किरण दिखाई देती है, अपितु इसमें विधिक, नैतिक और सामाजिक मुद्दों को भी विस्तार से सम्मिलित किया है। लेकिन इसके चलते बहुत सी कानूनी व नैतिक व सामाजिक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। एआरटी पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है। भारत में एआरटी केंद्रों की संख्या हर साल की जाने वाली एआरटी प्रक्रियाओं की संख्या में बड़े पैमाने में वृद्धि आई है। भारत विगत वर्षों में इस वैश्विक प्रजनन उद्योग के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया है, जिसमें जननी चिकित्सा पर्यटन एक महत्वपूर्ण कार्यकाल है। भारत में क्लिनिक युग्मक दान, अंतर्गर्भाशयी वीर सेचन, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, पूर्व गर्भारोपण, अनुवांशिक निदान और जेस्टेशनल सरोगेसी जैसी लगभग सभी एआरटी सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत में इतने अधिक कार्यकलापों के बावजूद इस संबंध में अभी तक न्यायचारों का कोई मानकीकरण नहीं हुआ है और अभी भी बहुत कम मामलों की जानकारी मिल पाई है। इसके अलावा एआरटी को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है और इसे दिशा निर्देशों के माध्यम से ही विनियमित किया जाता है। एआरटी बिल का उद्देश्य एआरटी बैंकों और क्लिनिकों को विनियमित करना है। एआरटी के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास को अनुमति देता है और महिलाओं और बच्चों के शोषण से बचाता है। लेकिन विधेयक सिर्फ विवाहित, विषम लैंगिक जोड़ों और विवाह की उम्र से ऊपर की महिलाओं को एआरटी का उपयोग करने की अनुमति देता है, परंतु एकल पुरुष, समलैंगिक जोड़े और LGBTQI व्यक्तियों और जोड़ों को एआरटी तक पहुंचने से बाहर करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और पुट्टुस्वामी फैसले में निर्धारित निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह की पवित्रता, प्रजनन की स्वतंत्रता, पारिवारिक जीवन की पसंद और होने की गरिमा सभी व्यक्तियों के लिए समान है। विधेयक में अंडादाता की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान उसकी काउंसलिंग या उसकी सहमति वापस लेने की क्षमता प्रदान नहीं करता है। उसे वेतन, समय और प्रयास के नुकसान के लिए कोई मुआवजा या खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है। शारीरिक सेवाओं के लिए भुगतान करने में विफल रहने से मुक्त श्रम का गठन होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा निषिद्ध है। कमीशनिंग पार्टियों को केवल चिकित्सा जटिलताओं या मृत्यु के लिए उसके नाम पर एक बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, कोई राशि या अवधि निर्दिष्ट नहीं है। एआरटी बिल वह नहीं करता जो लेबल पर कहता है, यह अंडादाता की रक्षा करने के लिए बहुत कम करता है। अंडों की कटाई एक आक्रामक प्रक्रिया है, जिसे गलत तरीके से करने पर मृत्यु हो सकती है। विधेयक में अंडादाता की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान उसकी परामर्श या उसकी सहमति वापस लेने की क्षमता प्रदान नहीं करता है। उसे वेतन, समय और प्रयास के नुकसान के लिए कोई मुआवजा या खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है। शारीरिक सेवा के लिए भुगतान करने में विफल और मुक्त श्रम का गठन होता है, जो संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा निर्दिष्ट है। विधेयक में पूर्व प्रत्यारोपण अनुवांशिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, जहां भ्रूण पहले से मौजूद अनुवांशिक जीवन के लिए खतरा या अनुवंशिक रोगों से पीड़ित होता है। इसे कमिश्निंग पार्टियों की अनुमति के साथ अनुसंधान के लिए दान किया जाता है। इन विकारों विशिष्टीकरण की आवश्यकता है या यूजेनिक्स के एक अनुमेय कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाला बिल जोखिम है। विधेयक के पूर्व संस्करणों ने भ्रूण का उपयोग करके अनुसंधान को विनियमित किया गया, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि बिल
और एसआरबी क्रमशः एआरटी और सरोगेसी को विनियमित करते हुए दोनों क्षेत्रों के बीच काफ़ी ओवरलैप है, फिर भी बिल एक साथ काम नहीं करते हैं। कोर एआरटी प्रक्रिया को अपरिभाषित छोड़ दिया गया है, इसमें से कोई एसआरबी में परिभाषित है लेकिन बिल नहीं। युगल, बांझपन, एआरटी क्लिनिक और बैंकों को चालू करने की परिभाषाओं को बिल के बीच सिंक्रनाइज करने की आवश्यकता है। बिल एसआरबी के तहत सरोगेसी बोर्ड को एआरटी के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, जो वांछनीय है। हालांकि दोनों विधेयकों ने पंजीकरण के लिए कई निकायों की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप दोहराव या बदतर होना है, यह इस बिल की कमी है। दोनों विधेयक के तहत समान अपमानजनक व्यवहार को अलग अलग सजा दी जाती है। इस विधेयक के तहत अपराध जमानती है लेकिन एसआरबी के तहत नहीं है। इस विधेयक के तहत 10 साल के लिए, एसआरबी के तहत 25 साल के रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। सरोगेसी क्लिनिक एआरटी क्लिनिक द्वारा की गई एक ही कार्रवाई विभिन्न नियमों को आकर्षित करती है। बिल में क्लिनिक और बैंकों को एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन ये एक तरफा होंगे। इसके बजाय क्लिनिकों में नैतिकता समितियां होनी चाहिए। अनिवार्य परामर्श सेवाएं भी क्लिनिक में स्वतंत्र होनी चाहिए। पीसीपीएनडीटी बिल के विपरीत एआरटी जीवन बनाने के बारे में है। चिकित्सा लापरवाही के लिए हमारे पास वर्तमान में कई सारे कानून हैं। एआरटी विधेयक में जेल सहित इतनी कड़ी सजा देने की कोई अनिवार्यता नहीं है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इस बिल के पास हो जाने के उपरांत राष्ट्रीय व राज्य स्तर का बोर्ड गठन किया जाना है और उन बोर्डों के कार्यप्रणाली तथा दायित्व को निर्वहन के संबंध में विधित किया गया है। मेरा सरकार से सुझाव है कि केंद्र सरकार द्वारा बनने वाला इस संबंधित बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को भी प्रतिनिधि के रूप में अवश्य रखा जाए। साथ ही यह सेलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव के राज्य में तीन महिला विशेषज्ञों के सदस्य के रूप में रखा जाए। इसके साथ ही राज्य में 10 अतिरिक्त सदस्य जो सरोगेसी क्षेत्र में अनुभव रखते हैं उनको नामित करने के लिए सेलेक्ट कमेटी में सिफारिश किया गया है। इस 10 अतिरिक्त सदस्यों में भी कम से कम 4 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं या पुरुषों को रखा जाए, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी।